नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। किसी भी इंसान के लिए उसका घर, उसकी छोटी सी दुनिया, उसकी जिंदगी होती है। ये वो जगह होती है जहां इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, पर अक्सर ऐसे में हम खतरे को भांप नहीं पाते और जुर्म का शिकार हो जाते हैं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Bhabhi, happy birthday to you. Happy birthday भाभी। शीतल, हमारी शादी के बाद ये तुम्हारा पहला बर्थडे है, तो ये खास तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। अब ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? डिवोर्स। मजाक कर रही होगी भाभी? भाभी, कल भैया ने आपके लिए इतनी बड़ी सरप्राइज पार्टी रखी है, शहर के बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, पर आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे डिवोर्स चाहिए, मतलब चाहिए, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप सब जानते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। मम्मी आप टेंशन मत लो, मेरी क्लाइंट से मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। और पापा की तरह कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि 9 से 6 की नौकरी करो और फिर आराम। अरे बेटा, रात के 8 बजे हैं, मीटिंग तो कल भी हो सकती है ना। मम्मी आप समझते नहीं हो, सक्सेसफुल होने के लिए ना थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, मैं आपको ना आने के बाद कॉल करती हूँ। बाय। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। हाँ शीतल जी, मैंने आपकी केस हिस्ट्री और एविडेंस देख लिए हैं, बट सॉरी टू से इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अब देखना है कि इस बेस पर हम आपकी तरफ से उनके खिलाफ कितना स्ट्रॉन्ग केस बना सकते हैं। विजय जी, मैं जानती हूँ इतना सब काफी नहीं है, पर मुझे किसी भी हालात में डिवोर्स चाहिए। मैं बस उस कैद से छुटकारा चाहती हूँ, प्लीज। ओके, कुछ करते हैं। हाँ पापा, ये जॉब बहुत अच्छी है, यहाँ बहुत कुछ सीखने में मिल रहा है, और आप देखना मेरा प्रमोशन भी ना बहुत जल्दी हो जाएगा। चलो अच्छा है, पर मैं तुझसे नाराज हूँ। तेरी माँ बता रही थी कि तुम मेरा 9 से 5 की सरकारी नौकरी का मजाक उड़ा रही थी। तुम दोनों माँ बेटी मिलकर मेरी पीठ पीछे मेरी बहुत चुगली करते हो। मैं आप दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा मम्मी, वो मैंने पैसे भिजवाए थे, आपने चेक किए ना? हाँ मिल गए, बस इसी तरह तरक्की करती रहे और तेरा काम अच्छे से चलता रहे, जैसे टाइम मिले मिलने आ जाना। हाँ बहुत जल्दी आऊंगी। अच्छा मम्मी, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। बाय, लव यू। हेलो, शीतल जी, गैस व्हाट, बधाई हो, डिवोर्स फाइनल हो गया है और एलिमनी में आपको 50 लाख रुपए मिले हैं और साथ में सेटलमेंट में एक बंगलो और एक कार भी। हैप्पी? यस। थैंक यू सो मच विजय जी, पर मेरी आजादी के आगे ये सब कुछ भी नहीं है, बट स्टिल थैंक यू सो मच, आप नहीं होते ना तो। क्या कर रहे हो? इस चोर ने मेरे पैसे से तेरा घर तो भर दिया है, लेकिन याद रखना ये पैसा तुझे कभी हजम नहीं होगा। छोड़ो। हेलो मिस्टर, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हेल्प, पुलिस। अरे देखो आके आदमी गुंडागर्दी कर रहा है। भैया छोड़ो यार। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा मैं। देखे जा भैया, छोड़ो भैया। शीतल जी, आर यू ओके? या अरे सुनो, कल रात माया ने मैसेज किया है कि नई नौकरी के लिए दुबई चली गई। अरे ऐसे कैसे अचानक बिना बताए? रुको मैं उसको कॉल लगाता। हाँ हाँ जल्दी लगाइए। ये लड़की बिना क्या हुआ? घंटी बज रही है। बेटा मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं तेरे तलाक पर क्या कहूँ? पता नहीं क्या हो गया है तुझे आजकल,
साल भर तेरी शादी को हुआ नहीं और माँ नरेश से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अब मैंने वो भूल सुधार ली। अब क्या करूंगी? अब सबसे पहले अपनी आजाद जिंदगी जीऊंगी, उसके बाद एक अच्छी सी नौकरी ढूंढूंगी। माँ मैंने बहुत सारी जगह ना रेज्यूमेस दे दिए अपने। बेटा वो बहुत बड़े लोग हैं, संभल कर रहना। माँ तुम बेकार में चिंता कर रही हो, कुछ नहीं होगा मुझे। अब देखना, अब मेरी लाइफ बिल्कुल सेट है। हाँ माँ मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द टिकट्स मिल जाए। तुम बस अपना सारा का सारा सामान पैक रखना। ओके बाय। आपका पार्सल है? नहीं, पर मैंने कोई पार्सल मंगवाया ही नहीं है। आप शीतल लादा है ना? हाँ। तो फिर आपका ये, पकड़िए इसको। अरे पर मैंने कोई पार्सल मंगाया ही नहीं है, तो मैं कैसे लूँ इसे? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पकड़िए इसको। अजीब जबरदस्ती है, नहीं मंगाया मैंने। हेलो, सर पेट में चाकू से 3 बार वार किया गया। सर सेक्सुअल असॉल्ट ऐसा कुछ नहीं लग रहा। चारों तरफ अच्छे से देखो। और आस पड़ोस में पूछताछ करो, देखो पड़ोसियों ने किसी को आते जाते देखा है क्या। सर सर ठीक है सर, यहाँ पड़ोस में एक औरत ने बताया कि मर्डर का पता चलेगी कुछ टाइम पहले, उसने कुरियर वाले को यहाँ आते हुए देखा। शक्ल देखी उसने? नहीं सर, उस कुरियर वाले ने मुंह पे रुमाल बांधा, सर पे कैप, इसलिए शक्ल नहीं देखी। सर शालिनी श्रीवास्तव से मेरी बात हुई, जिसने मर्डर की इन्फॉर्मेशन दी थी। उसने ये बताया कि शीतल कुछ दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुई, और नरेश लड्डा जो कि बिल्डर है वो उसका एक्स हस्बैंड है, और कुछ दिन पहले उनका डिवोर्स हो गया। ठीक है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर हम नरेश से मिलकर आते हैं। 1 महीने पहले आपका और शीतल का डिवोर्स हुआ। सेटलमेंट में उसने इतना बड़ा घर लिया, पैसे भी लिए होंगे। मार्केट में आपकी रेपुटेशन खराब हुई वो अलग। अब आप ही बताइए, ये वजह कम है आप पर शक करने के लिए कि आपने ही शीतल को मारा है या फिर मरवाया? देखिए मेरा जो नुकसान होना था हो चुका, उसका मर्डर करवाने से मुझे क्या मिलेगा? और वैसे भी डिवोर्स मैंने नहीं, उसने मांगा था मुझसे, और वो भी तब जब हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तुम्हें क्या चाहिए? डिवोर्स। उसने मांगा और आपने दे दिया? हम थक चुके थे उसके टॉर्चर से, और मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे नहीं मेरे पैसों को चाहती थी। उसका मर्डर का सुन के बुरा तो लगा, लेकिन उससे ज्यादा मुझे सुकून भी मिला है कि अब वो हमें परेशान तो नहीं कर पाएगी। वरना जब से शादी करके आई थी तब से हमें सिर्फ और सिर्फ दुख दिया था सर, और कुछ नहीं। भाभी दाल में पानी थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? भाभी सुनो ना, मैं ना घास फूस खा के बोर हो चुका हूँ, तो डिनर में चिकन मटन कुछ बना देना प्लीज। भाभी रोटी थोड़ी कच्ची है। अरे शीतल तुमने कुक को क्यों निकाल दिया? वो ठीक ठाक खाना बना रहा था। क्यों खाना ठीक नहीं बना रही हूँ मैं? हाँ, और सब्जी खाने में क्या प्रॉब्लम? अपने स्वाद के लिए जरूरी है किसी की जान ली जाए? हाँ मेरा मतलब है शीतल कि हम कुक अफोर्ड कर सकते हैं, और तुम लड़ा खानदान की बहू हो, तुम्हें किचन में काम करने की क्या जरूरत है? तुम नई नई आई हो, एंजॉय करो बस। आपको खाने से प्रॉब्लम थी ना, आप मुझे अकेले में जाकर बोल सकते थे। ऐसे अपने भाई बहन के सामने मेरी बेइज्जती करने की कोई जरूरत नहीं थी, समझे आप? भाभी आप गलत समझ रहे। बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ मैं। तुम तीनों भाई बहन मिलकर सिर्फ और सिर्फ मेरी बेइज्जती करना चाहते हो, मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। नहीं खाना, खाना नहीं खाना ना, नो फेंक दो इस खाने को, मत खाओ। हमें लगा कि समय के साथ वो समझ जाएगी। हमने उन्हें कभी फील नहीं होने दिया कि वो हमारे स्टेटस की नहीं है। बहुत प्यार से रखते थे, पर वो बदतमीजी करते थे, और एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। भाभी मैं आपको बताती हूँ, ये ना ये वाली साड़ी पे ये वाला ब्लाउज पहनो, बहुत अच्छा लगेगा, सूट करेगा आप पे। भाभी क्या कर रही हो आप, काट क्यों रही हो? तेरे छूने के बाद ना अब मैं इसका पोछा भी नहीं बना सकती। और रही बात फैशन की, तो वो मुझे तेरी जैसी बहन जी से सीखने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके पास पैसा तो बहुत है पर ओढ़ने पहनने की जरा सी अकल नहीं। आप लोग इतनी शराफत दिखा रहे थे और वो बदतमीजियां करती जा रही थी, क्यों? शायद उनकी नजर सिर्फ हमारे पैसों पर थे, वरना वो प्रीतम से ऐसी बात नहीं करते। सर को बताओ ना,
सर को बताएं। क्या हुआ भैया? वो कुछ महीने पहले की बात है, भैया काम से बाहर गए हुए थे और शीतल भाभी मेरे रूम में आई। जी भाभी, क्या कहा हमें बताइए। कुछ नहीं, वो मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारे पास आके थोड़ा टाइम पास करूं। क्या कर रहे हो तुम? वाओ, कितना सुंदर कॉम्प्लेक्स है। काश ऐसे ही कॉम्प्लेक्स मेरा भी होता। वैसे हो सकता है अगर तुम चाहो तो। हाँ भाभी, मैं भैया से बात करूंगा। नहीं, भैया को बीच में लाने वाली कौन सी बात है? अगर ये हम दोनों के बीच में हो सकता है तो। उनसे उस दिन बड़ी मुश्किल से मैंने पीछा छुड़ाया, भैया को बताने से डर लगा इसलिए मैंने दीपा से शेयर किया। वो ये सब चाल चला करती थी। सुना आपने, कितनी घटिया औरत थी। एक तो मैं इस बात से निकल नहीं पाया कि उसने मेरे साथ क्या किया है, क्यों किया, और आप मुझ पर उसके मर्डर का इल्जाम लगा रहे। प्लीज सर, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ सर, हमें परेशान मत कीजिए, हमारा उसके मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। सर, अगर ये लद्दा फैमिली सच कह रही है तो शीतल बहुत ही मक्कार और धोखेबाज हो रहा है। मिश्रा, कितने लोगों को जानते हो जो सामने से अपनी गलती माने। वैसे भी ये स्टोरी की एक ही साइड है, शीतल की साइड तो हमने सुनी नहीं है जो उसकी माँ हमें बताई। शीतल बहुत अच्छी लड़की थी और ये शादी भी उसने अपनी मर्जी से की थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि उसने डिवोर्स क्यों ले लिया। क्यों ले लिया मतलब? उसने आपको नहीं बताया? कहाँ बताया, कहाँ मिली वो मुझसे? हमेशा फोन पर ही बात होती थी और जब भी मैं उसे पूछती तो वो यही कहती थी कि वो जो कर रही है सब ठीक है, मिलूंगी तब बताऊंगी, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। उससे पहले वो मुझे छोड़कर चली गई। ठीक है, फिलहाल के लिए आप जा सकती हैं, जरूरत पड़ी तो आपसे फिर कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है सर। अरे फोन तो तब उठाएगी जब वो नंबर लगेगा, उसका तो फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हो गया इस लड़की को? 5 दिन हो गए, दुबई से सिर्फ फोटो भेज रही है, यानी कि कम से कम एक कॉल तो कर ले। अरे ये भी तो हो सकता है कि इंडिया का नंबर वहाँ काम ना कर रहा हो और वहाँ का नंबर लेने में टाइम लग रहा हो। एक बार और कोशिश करो। तुम सब ठीक होगा, तुम जाओ एक गिलास पानी लेके आओ मेरे लिए। सर। हाँ मिश्रा। सर, शीतल के घर के फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उसके घर में सिर्फ उसी के फिंगरप्रिंट्स मिले, उसके घर में किसी भी सामान पे, इनफैक्ट डोरबेल पे भी किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। इसका मतलब जानबूझकर फिंगरप्रिंट्स मिटाए गए। शीतल उस घर में कुछ महीनों पहले शिफ्ट हुई थी, लेकिन इस टाइम में भी कोई ना कोई तो घर में आया होगा, किसी ने तो डोरबेल बजाई हो। मतलब यह कि जिसने भी उसे मारा या मरवाया है सोची समझी प्लानिंग है। सर, शीतल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई। सर, इसके मुताबिक उसकी मौत दोपहर 1 से 3 के बीच में हुई और चाकू से 3 बार पेट में वार किया गया, पर मौत से पहले रेप या सेक्सुअल असॉल्ट जैसा ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। मतलब पीएम रिपोर्ट से भी कोई खास हेल्प नहीं है? नथिंग। सर, मैंने शीतल की बैकग्राउंड भी चेक की है, शादी से पहले या तलाक के बाद उसका कोई भी अफेयर वगैरह भी नहीं था। शीतल का एक्स हस्बैंड नरेश लड्डा और उसके भाई बहन, उनके कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन? सर, अब तक नहीं आई, मैं जल्दी आ जाएंगे। जल्दी आ जाएंगे सर। साहब, हमारा नाम वीरेंद्र शर्मा, ये हमारी पत्नी उर्मिला शर्मा। सर, सर हम मेरठ से आए। सर, सर हमारी बेटी माया शर्मा यहाँ दिल्ली में इस एरिया में रहती है। सर, वो पिछले 1 हफ्ते से मिसिंग है सर, और अब तो फोन भी उसका ऑफ आ रहा है। सर घबराए सिंह। सर, इनकी कंप्लेंट लिखो, लड़की की पूरी डिटेल्स लो और ऐसा इराना से बोलना जैसे आए तो फॉलो अप करें। ओके सर। बेटी को ढूंढ दीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, आप अपनी कंप्लेंट लिखवाइए, हम जल्द से जल्द उसे ढूंढने की कोशिश करें। सर, ये नरेश और उसके भाई बहन तीनों बहुत कमीने हैं, क्योंकि सर जिस दिन हम लोग केस जीते थे और नरेश को शीतल को घर गाड़ी बंगला सब देना पड़ा था, उस दिन नरेश ने शीतल को मेरे सामने ही धमकी दी। ये पैसा तुझे कभी हजम नहीं होगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन नरेश का तो कहना है कि डिवोर्स उसने नहीं बल्कि शीतल ने मांगा था। हाँ सर, मांगा था, क्योंकि इन तीनों भाई बहन ने मिलकर शीतल का जीना हराम कर रखा था। सर, उसे इतना मजबूर कर दिया, क्या करती बेचारी वो? वकील उसे फैमिली कोर्ट में पति पत्नी के झगड़े सुनते आ रहा हूँ, मगर शीतल के केस को सुनकर मेरी भी रूह कांप गई थी। शाह,
शादी होते ही नरेश ने सभी नौकरों को काम से निकाल दिया। इतने बड़े घर का झाड़ू पोछा, साफ सफाई, खाना बनाना सब अकेली मैं ही करती थी, पर इतना भी काफी नहीं है उसके लिए। रोज मुझे परेशान करने के नए नए तरीके निकाल लेता है। और फिर एक दिन, ये क्या है, दाल है या पानी है? एक तो रोज रोज ये घास फूस खा के ना बोर हो चुका हूँ। अरे कुछ और नहीं बना सकते क्या, चिकन मटन कुछ? भाभी ये रोटी भी कच्ची है। मायके से तुम कुछ सीख भी के नहीं आई हो क्या? माने कुछ सिखाया नहीं तुम्हें? क्यों, मैं खाना ठीक नहीं बना रही हूँ क्या? ये बनाया तुमने खाना? हाँ, और सब्जी खाने में क्या प्रॉब्लम है? जरूरी है अपने स्वाद के लिए किसी की जान ली जाए? आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लग रहा था तो आप मुझे अकेले में बोल देते? इसे अपने भाई बहन के सामने मेरी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? क्या बकवास कर रही हो, क्या मतलब भाई बहन? मैं सही तो बोल रही हूँ, आप तीनों भाई बहन जब देखो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, मेरी बेइज्जती करते रहते हो। चुप कर, आइंदा जबान लड़ाई ना, जबान खींच लूंगा मैं, निकल। अरे अरे भाभी आप रो क्यों रही हो? हाँ अरे मैं कह रहा हूँ ना, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या कर रहे हो आप, हाथ हटाइए। अरे हाथ हटाओ? अरे मैं तो हाथ हटा दूंगा भाभी, पर भैया शाम को जिसको ला रहे हैं आपसे मिलाने, उसका हाथ कैसे हटाओगे? क्या नरेश, तुम अपना काम निकलवाने के लिए मुझे किसी ऑफिसर के साथ सोने के लिए बोल रहे हो? नरेश बीवी हूँ मैं तुम्हारी। चिल्ला मत, तुझे क्या लगा रे, मुझ जैसे बिल्डर ने तू जैसे गरीब से शादी प्यार में पागल होकर की है? तेरे पास ये शक्ल ये फिगर नहीं होती ना, तू जैसे को मैं घास भी नहीं डालता। अच्छा लग, ठीक है सुन, ज्यादा नाटक मत कर, जल्दी से तैयार हो जा, और सिर्फ आज याद रखना तुझे उसे सिर्फ खुश करना है, ताकि वो 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दे, और कुछ नहीं समझी, सिंपल। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। क्या बोली तुम, क्या बोली? भैया क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो? ऑफिसर का मूड खराब हो जाए इसकी सूजी हुई शक्ल को देख के, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाए? समझा इसको, जल्दी से तैयार हो जाए, नहीं तो जान से जाएगी। भाभी आप तैयार हो जाओ प्लीज। अगर हमें बच्चा हो जाए तो शायद वो बदल जाए। क्या बच्चा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? नरेश हमारी शादी को 8 महीने हो गए, अब तो माँ भी बच्चे को लेकर पूछने लगी है। अरे भाड़ में जाए तेरी माँ, बच्चा पैदा करके तेरा फिगर नहीं खराब करना है, मुझे बच्चा नहीं पैसा चाहिए, बिजनेस आगे बढ़ाना है, समझी? पर नरेश मेरी चुप कर, आगे इस बारे में कुछ बात नहीं होगी, चल साइड हट। कुछ सोचो सही, नहीं तो धंधा चौपट हो जाएगा, वो पुलिस वाला पैसे से भी नहीं मानेगा। ठीक है मैं कुछ करता हूं। सुन, एक पुलिस वाले ने नाक पे दम कर रखा है, तू जैसे खुश करना होगा। मैं ये सब और नहीं करूंगी, और अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। क्या बोली, इतनी जल्दी क्या है? तुझे शाम को पुलिस वाले के पास ही भेज रहा हूं मैं, आराम से उसे बोल देना, लेकिन याद रखना तेरी माँ का क्या होगा, 1.5 घंटा नहीं लगेगा मुझे ऊपर पहुंचाने में, समझी? शीतल ने उस पुलिस वाले के साथ की बातचीत की रिकॉर्डिंग कर ली थी और घर जाकर के नरेश को सुना दिया, जिसमें पुलिस वाला खुद मान रहा था कि नरेश शीतल को मजबूर करता था दूसरों के साथ सोने के लिए। वो रिकॉर्डिंग सुनकर नरेश ने क्या किया? दरअसल उस शाम शीतल का बर्थडे था, तो इन तीनों भाई बहन ने मिलकर उसे सरप्राइज पार्टी दिया। वो लोग उसे इमोशनल यूज करके वो रिकॉर्डिंग डिलीट करवाना चाहते थे, मगर शीतल ने साफ साफ कह दिया कि उसे डिवोर्स चाहिए। वो रिकॉर्डिंग अभी कहाँ है? नरेश के पास। वो इसी शर्त पर डिवोर्स के लिए तैयार हुआ था कि शीतल रिकॉर्डिंग उसे वापस कर देगी और इसकी जितनी भी कॉपियाँ हैं वो सब डिलीट कर देगी, और अगर देखा जाए तो इस हिसाब से नरेश के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। उस पुलिस वाले का नाम क्या था? सर वो आप जानते हैं कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन शीतल के लिए दुख होता है, कितनी मुश्किल से उसे वो सब चीजें मिली थी जिसकी वो हकदार थी। सर उसके कातिल को प्लीज छोड़िए। पुलिस के सामने शीतल की दो छवियां आई, लेकिन दोनों एक दूसरे से विपरीत थी। पहली गुस्सेल
बदतमीज मौका परस्त जो लाड़ा परिवार ने बताई, दूसरी एक मजबूर असहाय पीड़ित औरत की जिससे उसका अपना पति अपने फायदे के लिए जिस्म फरोशी करवा रहा था। आखिर शीतल का असली किरदार क्या था, क्योंकि उसे समझे बिना इस केस को समझ पाना बहुत मुश्किल था। सर, लड्डा फैमिली का बैकग्राउंड चेक करो, पता चला काफी टेढ़े लोग, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है तो काफी ऊपर तक कॉन्टैक्ट्स, कॉल रिकॉर्ड्स में गुंडे, हिस्ट्री शीटर्स, इन सब के नंबर्स, और इनके खिलाफ धोखाधड़ी के केसेस भी रजिस्टर्ड है। मोबाइल लोकेशन चेक की? जी सर, लेकिन 10 तारीख को इनमें से किसी की भी मोबाइल की लोकेशन शीतल के घर के आसपास की नहीं। मिश्रा, ये लड्डा नामी बिल्डर है, तो पॉसिबल है कि ये काम इसने किया नहीं, करवाया हो। इसके लिए इसमें जितने भी गुंडे और हिस्ट्री शीटर है ना, उनको राउंड अप कर दें, वो बताएंगे कुछ। सर, इंस्पेक्टर, आप प्लीज उस घटिया औरत के लिए हमें परेशान मत कीजिए। उसे हमने नहीं, उसी के किसी यार ने मारा होगा जिसके लिए उसने मुझसे डिवोर्स लिया था। वो एक नंबर की झूठी, मक्कार और कैरेक्टरलेस औरत थी। वैसे हमारी इंक्वायरी में आपका कैरेक्टर भी कुछ ऐसे ही आ रहा है, और अगर वो इतनी बुरी थी तो फिर घर, गाड़ी, पैसा ये सब देकर सेटलमेंट क्यों करना पड़ा? कोर्ट में प्रूव क्यों नहीं कर पाए? एक्चुअली वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी एक ऐसी चीज़ को लेकर जिसे मैं कभी बाहर नहीं आने दे सकता था। और वो चीज़ उस पुलिस वाले की रिकॉर्डिंग थी जिसके साथ सोने के लिए आपने उसे भेजा था। किस रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं आप? मैं तो ये फोटो की बात कर रहा हूँ। पता नहीं ये फोटो शीतल के पास कैसे आई और उसने अपने वकील को दे दिया। कहाँ से आई मतलब? आपका कहने का मतलब है कि फोटो फेक है? डिड आई से दैट? नो, डिड आई से दैट फेक है? हाँ, ये सच है कि मैं इस लड़की के साथ सोया था, लेकिन ये फोटो किसने कब खींची और शीतल के पास कैसे आई मुझे नहीं पता। कौन है ये लड़की? आई डोंट नो। इस लड़की का कोई कॉन्टैक्ट या एड्रेस? नो। नरेश की बातों से एक अलग ही एंगल है, मतलब शीतल का वकील उसे जितना शरीफ बताने की कोशिश कर रहा है शायद वो ऐसी है नहीं। मिश्रा, पता करो फोटो में वो लड़की कौन है, वो फोटो खींची किसने है, और शीतल के पास वो फोटो किसने भेजी है ठीक उस वक्त जब डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही थी। सर, 2 दिन हो गए कंप्लेंट करा हुए। सर, हमारी बेटी अभी तक मिसिंग है। सर, आपका केस तो ऐसा ही राणा देख रहा है। राणा कहाँ है? सर, राणा साहब तो केस के सिलसिले में बाहर गए। आइए आप मेरे साथ, संभल के। एक मिनट दिखाइए। ये कौन है? यही तो हमारी बेटी माया शर्मा। सर, हमारी बेटी माया 7 तारीख को नई दिल्ली से दुबई गई थी नौकरी ज्वाइन करने के लिए। ये देखिए साहब, दुबई से फोटो भेजती है पर कॉल करते हैं तो उठाती नहीं है, कॉल बैक भी नहीं करती है। सर, शुरू में तो 1-2 दिन हमने इंतजार किया कि फोन करेगी, पर बाद में तो उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया। फिर हम लोग मेरठ पुलिस के पास गए, उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ आप लोग दिल्ली जाइए, क्योंकि वो माया दिल्ली में ही रहती थी। माया दिल्ली में क्या कर रही थी? सर, मार्केटिंग में नौकरी करती थी। सर, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, उसने रहने के लिए घर ले लिया था और खर्चे के लिए हमें पैसे भेजती थी। मम्मी, वो मैंने पैसे भिजवाए थे, आपने चेक किए ना? फिर अचानक 7 तारीख को उसका SMS आया कि वो उसने नौकरी छोड़ दी है, उसको दुबई में नई नौकरी मिली और इसलिए वो वहाँ जा रही है, जाने से पहले हमसे मिलकर भी नहीं गई। यहाँ पर किस कंपनी में जॉब करती थी? तो सर, ये तो कभी मैंने उससे नहीं पूछा। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। मिश्रा, माया के पिछले 2 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन और जितनी भी जानकारी मिल सकती है निकालो, उसका सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल आईडी सब कुछ ढूंढो और अच्छे से छानबीन करो। सर, नरेश के कॉल रिकॉर्ड में जिन गुंडों के नंबर थे उन्हें लेकर आए। साहब, हम गुंडे नहीं, मजदूर लोग हैं साहब, छोटा मोटा काम कर लेते पेट पालने के लिए। सर, और नरेश लड्डा के हिस्से की मार खाना भी तुम्हारे छोटे मोटे काम में आता है? देख, सोच कर जवाब देना। ये भी मजबूर है, जब इसके हाथ में खुजली होती है ना तो 2-4 की हड्डियां तोड़ने के बाद ही ठीक होती है। सोच लो साहब, हम लोग नरेश सेठ के लिए काम करते हैं। क्या काम? डराना, धमकाना, घर खाली करवाने जैसे काम। सर, बस इतना ही, सोच के बताना। साहब, वो अपने लिए हमसे लड़की मंगवाता है साहब। उसको भी लेकर आए थे? नहीं साहब, नहीं, हमने तो इसे कभी देखा भी नहीं। शीतल लड़ा अच्छी है, पसंद है? अच्छी लगी साहब। नहीं साहब, मेरा मतलब सेठ की बीवी है। क्यों मारा उसे, सेठ के कहने पर? नहीं साहब, हमने नहीं मारा। साहब, हम लोग क्यों मारेंगे उसको साहब? तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? अब हमें क्या पता किसने मारा साहब, हमारा तो उसे कोई वास्ता भी नहीं। वास्ता भी निकलेगा। मिश्रा, मिटा ले खुजली,
तब तक तोड़ना जब तक सच नहीं बोलते। माया ने 7 तारीख को दोपहर 2 बजे की दुबई जाने की फ्लाइट की टिकट निकाली थी और 7 तारीख की सुबह 10 बजे उसने ऑनलाइन चेक इन भी किया। मतलब वो सही में दुबई जा रही है? देख के तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ना वो एयरपोर्ट गई ना उसने फ्लाइट ली। टिकट लिया, ऑनलाइन चेक इन भी किया, तो फिर फ्लाइट क्यों छोड़ दी? हो सकता है लास्ट मिनट उसका मन बदल गया हो, या फिर किसी ने ज़बरदस्ती उसे जाने से रोका। लेकिन दोनों ही केसेस में वो दुबई वाले पिक्चर्स कहाँ से आए जो उसने अपने माँ बाप को भेजे? सर हमने पता किया, वो पिक्चर्स इंटरनेट से निकाले गए और उसके माँ बाप को इसलिए भेजा गया ताकि उन्हें यकीन हो कि माया दुबई में है। सारे पुलिस स्टेशन में माया की डिटेल्स भेजी? जी सर। सर एक्सक्यूज मी। हेलो, पीएसए मिश्रा बोल रहा हूँ। ठीक है सर, फरीदाबाद के पास के जंगल में एक माया से मिलती जुलती बॉडी मिली, बॉडी काफ़ी सड़ चुकी है तो आइडेंटिफाई करवाना होगा। माया के पेरेंट्स को बुलाओ शिनाख्त। सर क्राइम ब्रांच ने यूसुफ नाम के ब्लैकमेलर को पकड़ा है, उसके फोन में शीतल के न्यूड पिक्चर्स मिले। सर ये फोटो मुझे प्रतिम ने सेंड किया था। सर प्रतिम लड्डा? जी सर। क्यों भेजा था? सर वो मैं ऑनलाइन सेक्स चैट वीडियो रैकेट चलाता हूँ सर, वहाँ मेरी एक लड़की को ये प्रतिम मिला था सर। सर जब हमने इसकी इंक्वायरी निकाली तो पता चला ये बहुत बड़ा सामने सर, तो हमने इसे अपने जाल में फंसाया सर और इसको हमने ब्लैकमेल करना शुरू किया सर, फिर सर ये हमारा एटीएम बन गया था सर। सर मैं यूसुफ को रेगुलरली पैसे दे रहा था, एक बार पैसे नहीं दे पाया तो उसने बोला कि घर में किसी फीमेल की न्यूड पिक्चर सेंड करना, तो इसलिए मैंने एक बार शीतल भाभी की फ़ोटो खींची चुपके से, वो गमछा मैं जानबूझकर अपने साथ ले गया। मुझे लगा अगर भाभी ने मुझे देख लिया तो उनको लगेगी रघु था। एक ही फोटो भेजी थी और भी भेजी थी? सर एक और भेजी थी। अब जो पूछ रहा हूँ ना उसका बिना पीटे सच सच जवाब देना। नरेश अपने बिजनेस के लिए और कॉन्ट्रैक्ट के लिए शीतल को दूसरे मर्दों के साथ सोने के लिए मजबूर करता था? शीतल भाभी अच्छी बहू थी पर नरेश भाई ने कभी उनकी कदर नहीं करी, अपने फायदे के लिए उन्हें कितने लोगों के साथ सोने के लिए मजबूर करते थे। हमें पता था सर ये गलत है पर उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती थी क्योंकि हम उन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे। मिश्रा शीतल जैसी सीधी साधी लड़की बेचारी इस नरेश लड्डा जैसे घटिया आदमी के चंगुल में फंस गई और वो कमीना अभी भी खुला घूम रहा है। इसके ऊपर प्रोस्टिट्यूशन का केस बनाओ, इस नरेश लड्डा को इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। जी सर। शीतल के केस में तुम आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस भी हो रही है, लेकिन माया के केस में ना तो कोई ढंग का सस्पेक्ट मिल रहा है और ना ही कोई मोटिव मिल रहा है। सर क्या ये हो सकता है कि ये दोनों केसेस कनेक्टेड हो सकता है? सर माया का फोन 9 तारीख को स्विच ऑफ हुआ, माया के कॉल रिकॉर्ड्स में 2 नंबर में, एक किसी अनिल नाम की फोटोग्राफर का और दूसरा नंबर फेक आईडी पे लिया गया जिसके साथ माया की अक्सर लंबी बातें हुआ करती, और सर वो नंबर 9 तारीख से स्विच ऑफ, अब तक ऑन नहीं हुआ है। सर माया ने अपने कार्ड से 6 मार्च को एरोसिटी में एक होटल भी बुक किया था और सर उसने अपने लैंडलॉर्ड को पूरे रेंट के पैसे देके वो रूम छोड़ दिया था, पर उसके लैंडलॉर्ड को उसके दुबई जाने की बात बिल्कुल पता नहीं। मतलब उसने दुबई का टिकट बुक कराया था, अपना रूम छोड़ा था, लेकिन शायद वो दुबई गई नहीं। जी सर। और दूसरा ये फेक नंबर, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कहाँ से इशू हुआ, प्रीपेड है पोस्टपेड है, सब कुछ पता करो। सर आखिरकार माया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि माया को नींद की दवा दी गई थी, 7 तारीख की दोपहर को लगभग 12 से 3 के बीच हुई। जिस दिन माया दुबई जाने वाली थी क्या कोई ऐसा था जो उसे दुबई नहीं जाने देना चाहता था? क्या कोई ऐसा जिसके राज माया के पास थे? नरेश और माया की फोटो मैंने माया के कहने पे खींची थी और भी बहुत सारे लोगों के साथ उनकी फोटो मैंने खींची थी। जिस जिसके साथ जैसी भी तस्वीरें खींची है ना सब पुलिस स्टेशन में जमा कर। एक बात बता, ये काम माया खुद करती थी या किसी के कहने पर? खुद ही करती थी साहब, खुद ही कॉल करती थी, खुद ही सारी डीलिंग करती थी। और पेमेंट? पेमेंट कैश में होती थी, वो खुद ही करती थी, और कभी कभार महेश नाम का आदमी आता था, वो पेमेंट करने के बाद माया से मेरी बात करा देता था। माया के कॉल रिकॉर्ड्स में महेश को ढूंढो।
महेश को पता चल गया। उठा लो सर। साहब मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ मैडम जो बोलती है मैं वो करता हूँ। वो अक्सर लोगों को लिफाफे पैकेट देने के लिए बोलती थी। मुझे लगा कि अब वो कौन है, क्यों है, क्या है, मैं ये सब उनसे नहीं पूछ सकता ना। तू तो कुत्ते जैसा वफादार आदमी है ना। देख माया का मर्डर हो गया है, अभी अगर मुंह नहीं खोलेगा ना तो लंबा अंदर जाएगा तू। तेरे फोन रिकॉर्ड्स, कॉल लोकेशन सब निकाल लिए हमने, जिससे क्लियर है कि 6 तारीख को तू माया के होटल गया था और बाद में भी होटल के आसपास ही था और अगले दिन होटल से एयरपोर्ट की तरफ भी गया था जब माया दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट निकली थी। साहब मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैं तो जो साहब बोलते थे वो करता था। तो मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ ना, क्या किया तूने? 6 मार्च की शाम को माया मैडम को होटल पर ड्रॉप किया था। जब माया को ड्रॉप किया था वो अकेली थी? हाँ सर। उसके साथ कोई सामान वगैरह था? नहीं साहब, खाली हाथ में पर्स था बस। फिर मैंने शाम को साहब को होटल ड्रॉप किया और गाड़ी वहीं छोड़ के अपने एक दोस्त के पास रहने चला गया। साहब ने कहा था कि अगले दिन 4 बजे आ जाना होटल, तो मैं उनको 4 बजे लेने पहुंच गया। सर मैडम नहीं आ रही? अरे हाँ महेश, तुझे बताना भूल गया था, वो तो 2 बजे की फ्लाइट से दुबई चली गई। चल देख क्या रचना। यस सर। सही बता, इन दिनों में तूने कुछ ऐसा देखा या सुना जो तुझे अजीब लगा? हाँ साहब, कुछ दिन पहले साहब किसी से फोन पे बात कर रहे थे। जी देखिए, मैं उस पार्सल के लिए 1.5 लाख रुपए देने थे का, लेकिन वो काम होना चाहिए। हाँ जी, काम की मुझे गारंटी चाहिए। पर साहब इतने पैसे उन्होंने मुझे देके कहीं भेजा नहीं। पार्सल क्या था? वो नहीं पता साहब। कब की बात है? सब 10 मार्च की, जब मैं गाड़ी की चाबी लेने गया था। 10 मार्च के आसपास के विजय माश्री के सारे कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकालो। सर सर पता चला है कि विजय उन दिनों एक नवीन नाम के हिस्ट्री शीटर के रेगुलर टच में था। सर इसके कहने पे क्या साहब? और तू दूध पीता बच्चा है ना जो इसकी बातों में आ गया? और तू मैंने कुछ नहीं किया था। चुप। कुछ नहीं करने के विजय माहेश्वरी ने तुझे 1.5 लाख रुपए दे दिए? हाँ बोल साहब, वो एक काम के नहीं 3 काम के पैसे थे साहब। विजय ने फोन करके मिलने बुलाया, मैं इसके साथ वहां पहुंचा। मर गई क्या? दिल की दवा देकर बेहोश किया, मारने का काम तेरा। कैसी लगी मेरी प्लानिंग? मोटिव समझ नहीं आया, क्यों किया? माया से पीछे छुड़ाने के लिए। दरअसल क्या होता है कि जो ये डिवोर्स केस होते हैं ना, इसमें हम लोग क्लाइंट को ज़्यादा एलिमनी दिलाने के लिए उन्हें नंबर 2 के तरीके से करते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं, उसके बाद इन सब नंबर 2 के तरीकों से ही तो पैसे मिलते हैं ज़्यादा, वरना आप भी जानते हैं कि डिवोर्स के केस में कहाँ इतने पैसे मिलते हैं। और माया वो अपनी मर्जी से काम करती थी? अरे नहीं साहब, इतनी आसानी से कौन तैयार होता है। बोला मैंने कि ये सब करने में परेशानी क्या है, किसी के साथ सोना थोड़ी है। उसको ब्रेन वॉश किया, समझाया उसको, तब जाके मानी। और हाँ शादी झांसे में, फिर मुझे लगा कि इसका कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। तभी सडनली मुझे शीतल के केस से एक आइडिया मिला और मैंने डबल गेम खेला। मैंने माया को नरेश के पास ये कह के भेजा कि इस केस से ना हमें बहुत पैसे मिलने वाले, और इतने पैसे कि हम उस पैसे से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते। और उसके बाद मैंने अनिल से माया और नरेश की फोटो खिंचा ली और उन फोटो से मैंने शीतल को घर, पैसा, गाड़ी सब दिलवाया। इतना तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मैंने भी अपनी फीस बढ़ा दी, जिसकी वजह से मेरे और शीतल में झगड़ा हुआ और उसने मुझे पुलिस की धमकी तक दे डाली। फैमिली कोर्ट में नरेश ने शीतल को सबके सामने धमकी दी थी कि वो उसे छोड़ेगा। तो मैंने माया की 7 तारीख की दुबई की फ़्लाइट बुक की, उसका ऑनलाइन बोर्डिंग पास निकाला ताकि आप लोग जब छानबीन करें तो आप लोगों को माया के दुबई जाने वाली बात सच लगे। मैंने माया का फोन अपने पास ही रख लिया था। एक रात पहले ही उसके घर वालों को मैंने मैसेज कर दिया कि मैं दुबई जा रही हूँ नौकरी के सिलसिले में,
और दो दिन तक दुबई की फोटो भेजता रहा। उसके दो दिन बाद मैंने उसके फोन को तोड़ के फेंक दिया। माया और शीतल के मर्डर केस में चार्जशीट फाइल करो और ध्यान रहे कि फांसी नहीं तो कम से कम उम्र कैद तो होनी चाहिए। इंस्पेक्टर, आप भूल रहे हैं कि मैं एक वकील हूँ। मैं कोई ना कोई दंड फंद लगा करके बाहर निकल जाऊंगा। ये केस इंसान की हैवानियत का एक जीता जागता उदाहरण है। शीतल एक सीधी सादी जिंदगी चाहती थी, जबकि नरेश, विजय और माया ने पैसे के लालच में गलत रास्ता चुना। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।